रूस लगातार अपनी तमाम जोर आजमाइश से यूक्रेन के हालत लगातार खस्ता कर रहा है। दक्षिण यूक्रेन के खेरसान पर रूस का कब्जा हो चुका है। इस शहर में फंसे 3 भारतीयों को निकालने में रूसी सेना ने मदद की है। यूक्रेन पर हमले के बाद ये पहली बार है जब रूसी सेना ने भारतीयों को सुरक्षित निकालने में इस तरह की मदद की है। मॉस्को में इंडियन एम्बेसी ने इन 3 भारतीयों को निकालने में सुविधा प्रदान की। इन 3 भारतीयों में एक स्टूडेंट और 2 व्यवसायी हैं। खेरसान में फंसे इन 3 भारतीयों को सिमरोपोल और मॉस्को के रास्ते से सुरक्षित निकाल लिया गया है। यूक्रेन के भीषण हमलों के बीच रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव ने एक बड़ा बयान दिया। लावरोव ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन के साथ कुछ समझौतों पर सहमति नहीं बन रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के न्यूट्रल स्टेटस में गंभीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है। लावरोव का ये बयान ऐसे समय पर आया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि अब रूस की ओर से ज्यादा यथार्थवाद मांगे की जा रही हैं। उन्होंने ये भी साफ रूप से संकेत दे दिया कि उनका देश नेटो में शामिल होने जा रहा है। जो बाइडेन की प्रवक्ता जेन पास्की ने कहा कि रूस से भारत का कच्चा तेल खरीदना अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है। मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग में पास्की ने रूस से कम कीमत पर कच्चा तेल खरीदने जाने की रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछे जाने पर कहा, किसी भी देश के लिए हमारे संदेश यही रहेगा कि वो हमारे द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करे। हालांकि मेरा विश्वास है कि उसका उल्लंघन नहीं है। रूस यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद पहली बार रूसी सेना ने भारतीयों की मदद की। दक्षिण यूक्रेन के खेरसान शहर में 3 भारतीयों को रूसी सेना ने सकुशल निकाल लिया। साउथ यूक्रेन से इस शहर पर रूस ने कब्जा कर लिया था। मॉस्को में भारतीय दूतावास, क्रीमिया और मॉस्को के रास्ते पर इन 3 भारतीयों को, एक छात्र और 2 व्यवसायी को निकालने में मदद की गई। मॉस्को में दूतावास के एक डिप्लोमेट ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हमने सिमफरोपोल के बसों को एक काफिले में उन 3 भारतीयों को बैठाया और फिर उन्हें ट्रेन से मॉस्को आने की मदद की, जिसके बाद वो मंगलवार को अपनी उड़ान में सवार हुए। एक छात्र था जो चेन्नई जा रहा था और 2 व्यवसायी थे जो अहमदाबाद के रहने वाले थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।